हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल SM क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पादप हार्मोन्स, जिसे हम प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स से जुड़े हुए हम हर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। वीडियो के एंड में इससे जुड़े हुए मैंने प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, जिससे कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और फ्यूचर में कभी भी इस टॉपिक से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा बायोलॉजी से रिलेटेड मैंने और भी कई वीडियो बना रखे हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो पादप हार्मोन्स वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं तथा वहाँ से संवहन ऊतकों द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होकर उसकी वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अर्थात पौधों में उनकी वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए कुछ कार्बनिक जटिल पदार्थ बनते हैं, जिसे हम पादप हार्मोन्स कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जंतुओं में हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है या श्रावण होता है, वह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है, परंतु पौधों में कोई भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नहीं होती। इनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं जो कि हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। अगर सिंपल तरीके से पादप हार्मोन्स की परिभाषा दी जाए तो पौधों में विनिमय अर्थात रेगुलेशन के लिए उत्तरदायी रसायन को ही पादप हार्मोन्स कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पौधों में अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होती, तो पादप हार्मोन्स का जो संवहन होता है वो संवहन ऊतकों, संवहन ऊतक क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो इन संवहन ऊतकों द्वारा ही पादप हार्मोन्स का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवहन होता है। इस प्रकार से जो पादप हार्मोन्स है, इन्हें हम उत्तेजित करने वाला पदार्थ भी कहते हैं, क्योंकि जो पादप हार्मोन्स होते हैं या कोई भी हार्मोन्स होता है, वो किसी भी जीव की जैविक क्रियाओं को प्रेरित करता है और नियंत्रित करता है। आइए हम बात करते हैं पादप हार्मोन्स के प्रकार की। तो पादप हार्मोन्स को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है वृद्धि सहायक हार्मोन्स और दूसरा है वृद्धि रोधक हार्मोन्स। तो यदि हम बात करें वृद्धि सहायक हार्मोन्स की, तो उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइन। तो जो वृद्धि सहायक हार्मोन्स हैं उनमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन आते हैं। वही हम बात करें वृद्धि रोधक हार्मोन्स की, तो इसमें आएंगे एबिसिसिकम, जिसे हम बोलते हैं एबीए, और दूसरा है एथिलीन। तो इन दो कैटेगरी में हम लोग पादप हार्मोन्स को बांट सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पादप हार्मोन्स हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इन पांचों के अलावा हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरीजेंस और ट्राउमैटिन। तो कुल 7 पादप हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में। तो यह पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। इसकी खोज सर्वप्रथम डार्विन ने सन 1800 में की थी। ऑक्सिन का निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्से में होता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऑक्सिन पौधों के ऊपरी हिस्से में कहाँ बनता है। तो ये जो होता है पौधे के जो एपिकल रीजन होते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू, विभुज ऊतक। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ऊतक में, तो ऊतक जो होते हैं, सबसे पहला अगर हम कैटेगरी देखें तो विभुज ऊतक होते हैं। और ये विभुज ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, हमेशा रूट और सूट के टॉप पर पाए जाते हैं। तो इन्हीं हिस्सों में ऑक्सिन पाया जाता है। वहीं बात करते हैं ऑक्सिन के प्रमुख कार्य की, तो यह फसलों को गिरने से बचाता है, यह पत्तियों का विलगन रोकता है, विलगन मतलब होता है झड़ना। इसके अलावा यह खरपतवार को नष्ट करता है, इसके कारण पौधों में सिर्क्स की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वी कच्ची कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। तो जितने भी पॉइंट हम लोगों ने अभी पढ़ा प्रमुख कार्य में, उसको आगे हम लोग अभी डिटेल से देखेंगे। तो आइए इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ये पौधों की अनुवर्तनी अर्थात प्रकाश अनुवर्तनी और गुरुत्वानुवर्तनी गतियों पर नियंत्रण करता है। अब प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, पहले ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाशानुवर्तन की। तो जब पौधे का कोई भी भाग प्रकाश के प्रति गति प्रदर्शित करता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। जैसे अगर हम बात करें कोई पौधा रखा है तो वो प्रकाश की ओर मुड़ता है, तो ये क्या है, प्रकाशानुवर्तन। अब प्रकाशानुवर्तन दो प्रकार का होता है, पहला है धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और दूसरा है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या होता है कि जब पौधे का कोई भाग प्रकाश की ओर मुड़े, तो उसे हम बोलते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी पौधे को अगर हम देखें,
अगर अंधेरे कमरे में रख दें तो वह हमेशा प्रकाश की ओर उड़ेगा। वहीं बात करें हम ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन की, जब पौधे का कोई भी भाग प्रकाश के विपरीत जाता है तो उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो आपने देखा होगा कि जड़ सदैव प्रकाश के विपरीत अर्थात भूमि के अंदर जाता है, तो यह ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन का उदाहरण है। तो इसी तरह है गुरुत्वानुवर्तन, जब कोई पौधे का भाग गुरुत्वाकर्षण की ओर बिहेव करता है तो उसे बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। ये भी दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है कि जब कोई गुरुत्वाकर्षण की ओर जाता है पौधे का भाग तो वो कहलाता है धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। जैसे आपने देखा होगा कि पौधे की जड़ें हमेशा भूमि के नीचे की ओर जाती हैं, तो ये क्या है धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन की, तो पौधे का जब कोई भाग गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तो पौधे का जो तने वाला भाग है हमेशा आप देखते हैं ऊपर की ओर जाता है तो उसे हम बोलेंगे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। कभी आप गमले को इस प्रकार से उल्टे करके देखेगा तो हमेशा आप देखेंगे कि जड़ चाहे कुछ भी हो, आप चाहे जैसे भी रखें, वो हमेशा भूमि की तरफ जाएगा और जो तना होता है हमेशा ऊपर की ओर जाएगा। आई होप कि आपका प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन से जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन जो होती है इन गतियों को नियंत्रित करती है। आइए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो जो ऑक्सीजन होता है वो शीर्ष प्रभाविता प्रदर्शित करता है, अर्थात ये पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकता है। तो शीर्ष प्रभाविता क्या होता है पहले यह समझते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पौधे को देखा होगा वो हमेशा लंबाई में ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं, और पौधों के साइड से जो ब्रांचेस निकलती हैं उसको हम बोलते हैं पार्श्व कलिकाएं या फिर साइड ब्रांचेस। तो पौधे जब लंबाई में बढ़ते हैं तो जो इनके साइड वाले ब्रांचेस होते हैं, जो पार्श्व कलिकाएं होती हैं, वो वृद्धि नहीं करती या उनमें वृद्धि बहुत कम होता है। तो चूँकि पौधे ऊपर की ओर बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं शीर्ष प्रभाविता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो शीर्ष भाग हैं उनमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, और इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं शीर्ष प्रभाविता। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो माली होता है हमेशा पौधे का टॉप वाला रीजन हमेशा कट करता है। तो जब वो टॉप वाला रीजन कट करता है तो साइड से ब्रांचेस बहुत तेज़ी से निकलने लगते हैं, तो यही कहलाता है शीर्ष प्रभाविता। तो जो ऑक्सीजन हार्मोन्स है ये शीर्ष प्रभाविता प्रदर्शित करता है, अर्थात ये जो पार्श्व कलिकाएं हैं उनकी वृद्धि को रोकता है। आइए बात करते हैं इसके नेक्स्ट उपयोग की। तो ऑक्सीजन हार्मोन्स मूल प्रेरण का कार्य करते हैं। तो मूल प्रेरण क्या होता है, मूल मतलब होता है रूट यानी जड़। तो जैसे कि जो कायिक जनन होता है, जैसे हम लोग कटिंग करते हैं और पौधे को लगाते हैं, तो जब कटिंग करके लगाते हैं तो उनमें जड़ों का विकास होता है और वो एक नए पौधे में बदल जाते हैं। परंतु अगर हम देखें कि जब हम लोग पौधे लगाते हैं तो मैक्सिमम पौधे उसमें नहीं लग पाते, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये होता है कि हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते। लेकिन आप देखे होंगे कि जो नर्सरी हैं वहाँ पर सभी पौधे जितने लगे होते हैं उसमें लगभग 90% सभी पौधों में जड़ों का फॉर्मेशन हो जाता है। तो होता क्या है कि वे ऑक्सीजन हार्मोन्स में उन कटिंग के पौधों को डुबोते हैं और उन पौधों को लगाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो ऑक्सीजन हार्मोन्स है वो पौधों में जड़ों के प्रेरण का कार्य करते हैं, अर्थात जड़ के निर्माण का कार्य करते हैं। आइए बात करते हैं इसके नेक्स्ट उपयोग की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पौधों में फलों के विलगन को रोकता है। तो विलगन क्या होता है, तो विलगन का मतलब होता है जब किसी पौधे में समय से पहले उसकी पत्तियां या फल झड़ जाते हैं तो उस प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं विलगन। तो ऑक्सीजन के छिड़काव से पौधों में जो विलगन की प्रक्रिया है उसे रोका जा सकता है। आइए बात करते हैं इसके अगले उपयोग की। ये अनिषेक फलन को प्रेरित करते हैं, अथवा इसके प्रभाव से अनिषेक फलन अधिक सरलता से कराया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं अनिषेक फलन होता क्या है। तो अनिषेक फलन क्या होता है कि हम सभी जानते हैं जो भी पौधे होते हैं उसमें फल का निर्माण निषेचन के बाद होता है, लेकिन बिना निषेचन के जब फल बनता है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनिषेक फलन। और अनिषेक फलन में जो बनने वाले फल होते हैं उनमें प्रायः बीज नहीं होते। तो अनिषेक फलन की प्रक्रिया को ऑक्सीजन के द्वारा अधिक सरलता से कराया जा सकता है।
और इसे एक फुलन प्रायः आपको नींबू, संतरे, अंगूर इत्यादि में दिखाई देता है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए ऑक्सिन, जिसमें कि हम लोग 2,4-D जिसका फुल फॉर्म है 2,4-dichlorophenoxyacetic अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है पुष्पन, जिसे हम बोलते हैं फ्लावरिंग। कुछ पौधों में ये पुष्पन को प्रेरित करते हैं। तो जैसे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावरिंग या पुष्प जल्दी नहीं निकलता, तो ऑक्सीजन के छिड़काव से उनमें पुष्पन प्रायः होने लगता है। तो आइए कुछ प्रमुख ऑक्सीजन हार्मोन्स के बारे में हम जानते हैं। तो उसमें कुछ मुख्य रूप से हैं इंडोल एसिटिक एसिड, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं IAA, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगला है इंडोल ब्यूटायरिक अम्ल, जिसे बोलते हैं IBA। इसके अलावा तीसरा है इंडोल 3-pyruvic अम्ल, जिसे बोलते हैं I3PA। आइए बात करते हैं दूसरे पादप हार्मोन्स जिब्रेलिन्स के बारे में। तो जिब्रेलिन्स हार्मोन्स पौधों के ऊपरी सिरों तथा भ्रूण में बनते हैं तथा पौधे के सभी भागों में वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। तो जो पादप हार्मोन जिब्रेलिन है, इसका निर्माण पौधे के ऊपरी सिरों तथा भ्रूण में होता है और ये पौधे के सभी भागों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा, ये ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन्स है, ये वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो जितने भी पौधे हैं, चाहे वो अपुष्पी पौधे हों, जैसे कि आपका एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, इसके अलावा जो पुष्पी पौधे हैं, चाहे जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म, इन सभी में जिब्रेलिन जो है पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। जिब्रेलिन की खोज कुरोसावा ने सन 1926 में की थी। तो जिब्रेलिन की जो खोज हुई थी कुरोसावा ने किया था, और उन्होंने एक फंगस था जिब्रेला फ्यूजिकोराई, इसी कवक के द्वारा ही जिब्रेलिन को प्राप्त किया गया था। याबूता एवं हयासी ने कवक से इस पदार्थ को अलग किया था। तो याबूता और हयासी ने, इन दोनों ने जो जिब्रेलिन हार्मोन्स है उसको जिब्रेला फ्यूजिकोराई से अलग किया था, लेकिन खोज किया था किसने? कुरोसावा ने खोज किया था। आइए बात करते हैं हम जिब्रेलिन के प्रभाव और उसके उपयोग की। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। जिब्रेलिन के द्वारा पर्वों की कोशिकाओं की लंबाई तेजी से बढ़ती है, जिसे हम बोल्टिंग कहते हैं। तो ये जो जिब्रेलिन हार्मोन्स होते हैं, ये पौधों की लंबाई में वृद्धि कराते हैं, और ये जो पर्व होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड क्या होते हैं? जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं गन्ने का है, तो जो गाँठें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं नोड, और दो गाँठों के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनोड। तो जिब्रेलिन जो होते हैं वो पर्व संधि, जिसे हम बोलते हैं इंटरनोड, इनके वृद्धि को प्रेरित करते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, पौधे बहुत तेज़ी से लंबाई में बढ़ते हैं, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बोल्टिंग। तो एग्ज़ाम में बोल्टिंग से क्वेश्चन आता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि बोल्टिंग क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जब पौधों में जिब्रेलिन का छिड़काव किया जाता है, तो जिससे उनके जो इंटरनोड होते हैं उनकी लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं बोल्टिंग। तो यदि अगर हम बात करें जो अनुवांशिक रूप से बौने पौधे हैं, जैसे मक्का, मटर, चुकंदर, इन सब पौधों पर अगर हम जिब्रेलिन का छिड़काव कर दें तो ये बहुत तेज़ी से लंबे हो सकते हैं। बात करते हैं अगले उपयोग की। जिब्रेलिन का प्रयोग देरी से पुष्प देने वाले पौधों में पुष्पन की क्रिया को जल्दी कराने के लिए किया जाता है, अर्थात ऐसे पौधे जिनमें की जो पुष्पन अर्थात फ्लावरिंग जल्दी नहीं होती है, उसमें फ्लावर जल्दी नहीं आते, यदि उस पर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाए तो उनमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग आ जाती है। बढ़ते हैं अगले उपयोग की ओर। इसके द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं अनिषेक फलन। जैसा कि हम लोगों ने ऑक्सीजन में पढ़ा था कि जब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अनिषेक फलन, और ऐसे फलों में बीज नहीं होते। तो जिब्रेलिन का भी उपयोग अनिषेक फलन में किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले उपयोग की ओर। तो इसके प्रयोग द्वारा बीजों तथा आलू के कंदों में जो प्रसुप्ता अवस्था होती है, जिसे हम बोलते हैं डारमुंसी, तो ये प्रसुप्ता अवस्था को कम करता है। प्रसुप्ता अवस्था क्या होती है? तो हम जानते हैं कि जो बीज होते हैं या आलू होते हैं, जब अंकुरित होते हैं तो उस अवस्था को हम बोलते हैं प्रसुप्ता अवस्था। तो यदि अगर आलू हो या फिर बीज हो, उस पर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाता है, तो उनकी जो प्रसुप्ता अवस्था होती है अर्थात अंकुरित होने की जो दर होती है वो कम हो जाती है। तो इससे आसानी से हम कई वर्षों तक आलू को
रख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। इसके प्रयोग से मटर, सेम, टमाटर आदि की पत्तियाँ अधिक चौड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा जिब्रेलिन का प्रयोग जीर्णता नियंत्रण, पुष्पों व फलों का परिवर्धन आदि में प्रयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं तीसरे पादप हार्मोन्स जो कि वृद्धिवर्धक हार्मोन्स है, वो है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन नाम क्यों पड़ा पहले ये जान लिए। साइटो मतलब होता है सेल और काइनिन्स का मतलब होता है डिवीजन। तो इस प्रकार जो साइटोकाइनिन हार्मोन्स है ये कोशिकाओं को विभाजन को प्रेरित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है, तो वो है साइटोकाइनिन। उसके नाम में ही आपका आंसर छुपा हुआ होता है। ऐसे रसायन जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं उन्हें हम बोलते हैं साइटोकाइनिन। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो साइटोकाइनिन होते हैं वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। यदि बात करें इसके खोज की, तो मिलर व उनके सहयोगियों ने सन 1956 में इसे ईस्ट के डीएनए से प्राप्त किया था तथा उसका नाम दिया था काइनेटिन। तो जो साइटोकाइनिन हार्मोन्स है जो सबसे पहले खोजा गया था वो मिलर द्वारा खोजा गया था 1956 में ईस्ट के डीएनए में, और उन्होंने इसका नाम क्या दिया था, काइनेटिन। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट नेम इसके जानते हैं। तो स्कूग ने सन 1965 में नारियल पानी को काइनेटिन के समान पाया, तो इन्होंने इस पदार्थ को काइनिन कहा, जिसका नाम बाद में साइटोकाइनिन कर दिया गया, क्योंकि लेथम ने साइटोकाइनिन को मक्के के बीज से पृथक किया और इसे इन्होंने नाम दिया जिएटिन। तो जो स्कूग ने इसे नारियल पानी में खोजा और इसका नाम दिया काइनेटिन। आइए अब हम बात करते हैं साइटोकाइनिन के प्रभाव और उसके उपयोग के बारे में। तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर। यह ऑक्सिन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की गति को तेज करता है। तो जब हम साइटोकाइनिन को ऑक्सिन के साथ मिलाते हैं तो सेल डिवीजन की जो रेट होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। साइटोकाइनिन तो कोशिका विभाजन करता ही है, परंतु अगर ऑक्सिन के साथ मिक्स होता है तो जो इसके कोशिका विभाजन की जो दर है वो उसको बढ़ा देता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। यह पौधों के अंगों के निर्माण को नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट है, इसके प्रयोग से पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। तो जो साइड ब्रांचेस होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ऑक्सिन में पढ़ा था कि ऑक्सिन में जो होते हैं वो एपिकल मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एकदम टॉप पर पाए जाते हैं, लेकिन जो साइड से निकलती हैं कलिकाएं उन्हें हम बोलते हैं पार्श्व कलिकाएं। और ये जो पार्श्व कलिकाएं होती हैं साइटोकाइनिन के प्रभाव से बहुत तेज़ी से वृद्धि करती हैं। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, राइट साइड में आपके पार्श्व कलिकाएं दिखाया गया है और उसके ऊपर टॉप पे दिखाया गया है आपको शीर्ष कलिकाएं। तो साइटोकाइनिन के प्रभाव से जो होता है कि पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि तेज हो जाती है। अगला पॉइंट है, यह प्रसुप्ति काल अर्थात डॉर्मेंसी पीरियड को कम करता है। अर्थात अगर बीजों पर साइटोकाइनिन का छिड़काव किया जाए तो वो जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं। इस कारण इसका उपयोग प्रसुप्ता काल को कम करने में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। साइटोकाइनिन से उपचारित प्रकाश प्रिय पौधों को अंधकार में उगाया जा सकता है। तो यदि अगर हम बीजों को उपचारित करें अर्थात उसको हम साइटोकाइनिन के घोल में डुबो दें और फिर उसको उगाएं, तो जो प्रकाश बीज पौधे होते हैं वो अंधेरे में भी उगाए जा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तंबाकू के बीज की, तो तंबाकू के जो बीज होते हैं वो प्रायः प्रकाश में आसानी से उगते हैं अर्थात उन्हें प्रकाश की आवश्यकता होती है। परंतु अगर हम इनके बीज को साइटोकाइनिन में डुबोकर अर्थात उपचारित करके अगर हम इन्हें अंधकार में भी बोएं तो ये आसानी से उगाए जा सकते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब ये हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है या इनकी संख्या को बढ़ाता है। तो कहने का मतलब है कि जिन पौधों में जो मादा पुष्प होते हैं उनकी अगर संख्या कम है, यदि उन पर साइटोकाइनिन का छिड़काव किया जाए तो उनमें मादा पुष्पों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। साइटोकाइनिन व ऑक्सिन की मात्रा का अनुपात बदलकर जड़ अथवा तना अथवा दोनों को विकसित किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम साइटोकाइनिन की मात्रा अधिक रखें और ऑक्सिन की मात्रा कम रखें और दोनों को एक साथ लें तो सूट का फॉर्मेशन होता है, और यदि अगर हम इस अनुपात को उल्टा कर दें अर्थात ऑक्सिन की मात्रा अधिक और साइटोकाइनिन की मात्रा कम कर दें तो रूट विकसित होता है। और यदि साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों की मात्रा का अनुपात क्या हो, समान हो, तो रूट और सूट दोनों का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि इमेज में आप तीनों कंडीशन को देख सकते हैं।
पढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। साइटोकाइनिन से जीर्णता को रोका जा सकता था, जो पौधे कमजोर होते हैं उनको रोका जा सकता है, उनकी प्रबलता बढ़ाई जा सकती है। अगला पॉइंट है साइटोकाइनिन का उपयोग पौधों को जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में किया जाता है। आइए अब हम बात करेंगे पादप हार्मोन्स में अगली कैटेगरी वृद्धि रोधक हार्मोन्स। तो हम वृद्धि रोधक हार्मोन्स में बात करेंगे एबीसीसिक अम्ल और एथिलीन की। तो आइए सबसे पहले हम बात करें एबीसीसिक अम्ल की। एबीसीसिक अम्ल एक वृद्धि रोधक हार्मोन्स है, यह कोशिका विभाजन को रोकता है, इसलिए इसे वृद्धि रोधक हार्मोन्स कहते हैं। यदि हम बात करें एबीसीसिक अम्ल की खोज की, तो कार्ल्स एंड एडिकेट ने सन 1961 और 65 के मध्य कपास के पौधों की पुष्प कलिकाओं से इसे अलग किया था। आइए अब हम बात करते हैं एबीसीसिक अम्ल के प्रभाव और उनके उपयोग के बारे में। तो बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट की ओर। इसके घोल को पत्तियों पर छिड़कने से पत्तियों में जीर्णावस्था उत्पन्न हो जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एबीसीसिक अम्ल और इथाइलिन ये दोनों वृद्धि रोधक हार्मोन्स हैं, तो यदि अगर हम पत्तियों पर एबीसीसिक अम्ल को छिड़कें तो जो उनकी पत्तियाँ होती हैं उनके हरित लौक नष्ट हो जाते हैं और जल्द ही उनकी पत्तियाँ क्या होती हैं, झड़ जाती हैं, और इसी अवस्था को हम बोलते हैं जीर्णावस्था। पढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। यह कोशिका विभाजन एवं कोशिकाओं को लंबा होने से रोकती हैं। तो जो एबीसीसिक अम्ल है यह कोशिका विभाजन और जो कोशिकाओं का जो लंबापन होना है इलांगेशन, इन दोनों प्रक्रियाओं को रोकती हैं। अर्थात यदि इसका छिड़काव पौधों पर कर दिया जाए तो पौधे जो होंगे वो लंबे नहीं होंगे, वो बौने ही रह जाएंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। यह कलियों में वृद्धि व बीजों के अंकुरण को रोकते हैं। पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर जो कि इम्पॉर्टेंट है। यह पौधों में पुष्पन को रोकता है। पढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा और इसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यह रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। तो यदि अगर हम एबीसीसिक अम्ल का छिड़काव करते हैं तो जो स्टोमेटा होते हैं वो जल्दी क्लोज हो जाते हैं, अर्थात वो खुलते नहीं हैं, जिससे कारण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए एबीसीसिक अम्ल को एंटी ट्रांसपायरेटरी हारमोन्स भी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले वृद्धि रोधक हारमोन्स के बारे में जो कि है एथिलीन। तो एथिलीन से कुछ क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यह एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो प्रकृति में गैसी अवस्था में पाया जाता है और यह वृद्धि रोधन का कार्य करता है। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि यही एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि गैसी रूप में होता है। इसकी खोज बर्ग ने 1962 में पादप हार्मोन्स के रूप में की थी। यह फलों के पकते समय इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यह हार्मोन्स फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये दो पॉइंट हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। पहला कि यही एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, और दूसरा कि यह फलों को पकाने का कार्य करता है, और इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था, बर्ग ने। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एथिलीन के प्रभाव और इनके कार्यों की। तो जैसा कि मैंने पहला पॉइंट बताया था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, यह फलों को पकाने में सहायता करता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं फलों को पकाने वाला हार्मोन्स। पढ़ते हैं दूसरे उपयोग की ओर। यह पौधों को लंबा होने से रोकता है, अर्थात ये पौधों में जो बौनापन है इसको बढ़ाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। इसके प्रभाव से मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि होती है जबकि नर पुष्पों की संख्या में कमी हो जाती है। तो यदि अगर हम पौधों पर इसका छिड़काव करते हैं तो उन पौधों में जो मादा पुष्प हैं उनकी संख्या तो बढ़ जाती है, परंतु जो नर पुष्प हैं उनकी संख्या में कमी हो जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। यह पुष्पन को कम करता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इससे जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि यह पुष्पन को तो कम करता है लेकिन अनानास में यह पुष्पन को बढ़ाता है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अनानास में पुष्पन को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा एथिलीन। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। यह पत्तियों फलों व पुष्पों के विलगन को तीव्र करता है। तो विलगन का मतलब मैंने बताया था कि जहाँ पर पत्तियाँ फल ये सब जुड़े होते हैं पौधे से, तो उन पार्ट को गला देता है जिससे वह जल्दी से झड़ जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं विलगन। तो एथिलीन के प्रयोग से पत्तियाँ फल पुष्प बहुत तीव्रता से विलगित होते हैं। आइए अन्य दो प्लांट हार्मोन्स के बारे में जानते हैं जिनसे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा छठा है फ्लोरिजेंस,
यह पत्तियों में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल खिलने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, फ्लोरिजेंस हार्मोन्स की वजह से ही पौधों में जो फ्लावर बनते हैं, इसलिए इन्हें फ्लावरिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। और इनका निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। सातवां है प्लांट हार्मोन्स ट्राउमेटिन। इसका निर्माण घायल कोशिकाओं में होता है, इसमें पौधों के जख्म भर जाते हैं। तो ट्राउमेटिन जो है ऐसे जगह पर बनता है जहाँ पर पौधों की कोशिकाएँ घायल होती हैं और ये घायल भाग को भरता है। रासायनिक रूप से यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स जिनसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इनसे जुड़े हुए एक प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पौधे के विकास को विनियमित करने वाले रसायन को क्या कहते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे के विकास को नियंत्रित करने वाले रसायन को हम कहते हैं पादप हार्मोन्स। तो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टू है, बौने पौधे को लंबा करने वाला हार्मोन्स निम्न में से कौन सा है? तो जो बौने पौधे होते हैं उनको लंबा करने के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग यूज़ करते हैं जिब्रेलिन। जैसा कि मैंने बताया था, ये जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक से प्राप्त हुआ था और ये क्या करता है? पौधों में दीर्घण अर्थात उनके वृद्धि को बढ़ाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री है, वृद्धि रोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो वृद्धि रोधक हार्मोन्स में हम लोगों ने पढ़ा था एथिलीन और एबीसीसीकम। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में तो चारों दिए हुए हैं, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एबीसीसिक एसिड और ट्राउमेटिन, बट एबीसीसीकम को हम लोग वृद्धि रोधक हार्मोन्स के रूप में लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर है, निम्न में से किसे फूल खिलने वाला हार्मोन्स कहते हैं? तो फ्लावरिंग हार्मोन्स मैंने बताया था, किसे कहते हैं? फ्लोरिजेंस। तो नाम से ये फ्लावर और फ्लोरिजेंस, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव है, पौधों की घायल कोशिकाओं में किस हार्मोन्स का निर्माण होता है? तो जो पौधे होते हैं, घायल कोशिकाएं होती हैं, तो उन कोशिकाओं को भरने के लिए एक हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है और मैंने बताया था उस हार्मोन्स को कहते हैं ट्राउमेटिन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ऑक्सिन हार्मोन्स का क्या कार्य है? तो जैसा कि हम लोगों ने इसके उपयोग में पढ़ा था कि ये खरपतवार को नष्ट करता है, फसलों को गिरने से बचाता है, इसके अलावा मैंने बताया था अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के फल का निर्माण करने में भी सहायता करता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं। तो हमारा जो आंसर होगा उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही है। तो जितने भी कार्य दिए हुए हैं सभी ऑक्सिन करता है, इसीलिए हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन है, किस हार्मोन्स के छिड़काव द्वारा वृहद आकार के फल तथा फूल का उत्पादन किया जाता है? मतलब कि कौन से हार्मोन्स का छिड़काव करें कि फूल और जो फल बनते हैं वो बहुत बड़े आकार के होंगे? तो इसके लिए हम लोग किस हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग प्रयोग करते हैं जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन के छिड़काव से क्या होता है कि पौधों के जो फूल होते हैं या फल होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फलों को पकाने वाला हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फलों को पकाने वाला हार्मोन्स कहते हैं एथिलीन को, और यही एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि गैसीय रूप में पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नाइन है, साइटोकाइनिन हार्मोन्स का क्या कार्य होता है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन्स जो होता है उसका क्या कार्य होता है? ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो कोशिका विभाजन में आरएनए भी चाहिए होता है, प्रोटीन भी चाहिए होता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, उपरोक्त दोनों। तो साइटोकाइनिन मैंने बताया था नाम क्यों पड़ा, क्योंकि साइटो मतलब होता है कोशिका सेल और काइनिन का मतलब होता है डिवीजन। तो कोशिका विभाजन करने में मदद करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है साइटोकाइनिन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टेन है, गैसीय रूप में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन्स कौन सा है? तो सिंपल सा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गैसीय रूप में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन्स है एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा हार्मोन्स पौधों के जख्म भरता है? मतलब कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन्स है जिसमें पौधे के जख्म भरते हैं? तो राइट आंसर है ट्राउमेटिन।
आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एथिलीन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जैसा कि हम लोगों ने इसके कार्य पढ़ा, यह फलों को पकाता है, मादा पुष्पों की वृद्धि करता है, पत्तियों पुष्पों फलों का विलगन करता है। तो इसलिए जो तीनों ऑप्शन है तीनों सही हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा हार्मोन्स डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो जैसा कि मैंने बताया था, ट्राउमेटीन जो एक हार्मोन्स है उसे हम बोलते हैं ट्राउमेटीन, और ये हार्मोन्स क्या कहता है, जो पौधों में घाव होते हैं उनको भरने का कार्य करता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस हार्मोन्स का निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है? तो जैसे मैंने बताया था कि जो ऑक्सिन है ये पौधे के एपिकल रीजन में बनता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने प्रैक्टिस सेट को भी आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।